आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 1959 में पीठ दिखाने के बजाय चीनी सैनिकों को गोलियां सीने पर खाकर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को नमन किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अपने बहादुर साथियों की याद में भावुक होने का दिन है। जो जवान जनता और देश की हिफाजत के लिए समर्पित होते हैं उनका दर्जा समाज में हमेशा सबसे ऊंचा होता है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का त्याग समर्पण कभी नहीं भुलाया जा सकता। शहीदों का परिवारजनों को नमन करता हूं। आज उनकी याद में ये कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश भर में हर राज्यों में इस तरह का एक बहुत भव्य कार्यक्रम होता है, जहां उनके परिवारजनों को उनका सम्मान करते हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। अवसर पर हर साल 21 अक्टूबर को जितने भी हमारे पुलिस जवान शहीद होते हैं उसके स्मृति में कार्यक्रम रखा जाता है। ये परंपरा भारत तिब्बत चीन सीमा पे जो 10 जवान शहीद हुए थे तब से ये परंपरा जारी है और आज तक के उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। और वहीं इमरती देवी को लेकर के कमलनाथ के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एक हो गई राहुल गांधी की कांग्रेस जो कहती है माफी मांगो, गलती हो गई, और यहां बन गई कमलनाथ की कांग्रेस जो कह रही है हम माफी नहीं मांगते। कितना समझाया था रावण को भी कि सीता माता को वापस कर दो। ये वो धरती है, एक सीता मैया का अपमान अगर रावण ने किया था तो वंश सहित रावण का विनाश, वंश सहित विनाश होता। अरे हम नहीं कह रहे, उनकी पार्टी के नेता ही कह रहे राहुल गांधी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कमलनाथ ने ठीक नहीं किया। ये राहुल गांधी कह रहे माफी मांग रहे। मैंने कमलनाथ से कहा भाई तुम माफी मांग लो, गलती हो गई तो माफ कर देंगे। वो कह रहे मैं नहीं मांगता माफी, तुम्हारी पार्टी के नेता माफी मांग रहे। अब हमें तो यही समझ में नहीं आया कांग्रेस पार्टी कैसी है। नेता कह रहे गलती कर दी और कमलनाथ कह रहे मैंने कछु गलती नहीं करी। ये उनका विचार है, वो जाने। तो ये कौन सी कांग्रेस है? एक हो गई राहुल गांधी की कांग्रेस जो कह रही माफी मांगो, मैं माफी मांग रहा हूं गलती हो गई, और यहां बन गई कमलनाथ कांग्रेस। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने एक विवादित बयान दिया है। इंदौर में उषा ठाकुर ने कहा है कि मदरसों में सभी आतंकी पैदा होते हैं। मदरसों ने जम्मू कश्मीर को एक आतंकवादी कारखाने में बदल दिया था। मदरसे जो राष्ट्रवाद का पालन नहीं कर सकते हैं उन्हें मौजूदा शिक्षा प्रणाली में विलय कर दिया जाना चाहिए। मंत्री उषा ठाकुर ने सरकार से अपील की कि सरकारी खर्च पर चलने वाले मदरसों को बंद कर दिया जाए। उषा ठाकुर ने कहा कि इन मदरसों के कट्टरवादी और आतंकवादी पैदा होते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का हवाला भी दिया। साथ ही कहा कि वक्फ बोर्ड अपने आप में ही एक मजबूत संस्था है, इसके लिए इसकी शासकीय मदद बंद की जानी चाहिए। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि विद्यार्थी एक समान होते हैं, धर्म आधारित शिक्षा से कट्टरता पनपती है। वक्फ बोर्ड एक सक्षम संस्था है, मदरसों की शासकीय मदद भी बंद होनी चाहिए। यदि कोई निजी तौर पर धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसके लिए छूट देता है। कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, दरअसल मदरसे वाले बयान को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रिएक्शन सामने आने लग गया है।
स्वयं इस बात का बयान नहीं दिया, उनसे पूछा गया जिसका उन्होंने जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार उपचुनाव के पहले समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हम उसे सफल नहीं होने देंगे, उसको अपने समाज तोड़ने के प्रयासों की जमीन नहीं तैयार करने देंगे। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं ने पिछली बार भी मध्य प्रदेश में बहुत माहौल खराब करने का प्रयास किया था, सामाजिक विघटन की कोशिश की थी, इस बार सफल नहीं होने देंगे। उषा जैसे जैसे चुनाव आएंगे इस तरह के बयान सामने आएंगे, क्योंकि भाजपा न 15 वर्ष के हिसाब पर चुनाव लड़ना चाहती है, न विकास पर लड़ना चाहती, न 7 महीने के कामकाज पर लड़ना चाहती। वो तो मुद्दों से भटकाने में लड़ना चाहती, वो भूखे नंगे पे लड़ना चाहती, वो आइटम पे लड़ना चाहती। जब इसमें असफल हुई तो अब सांप्रदायिक मामला ले आए, अब बंटवारे वाले मामले पे आ गए। तो ये लगातार तो चुनाव जैसे जैसे आएंगे इस तरह चुनाव को मुद्दों से भटकाने का काम। और वहीं छत्तीसगढ़ में कृषि कानूनों में संशोधन के लिए विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र की फाइल राज्यपाल ने लौटा दी है। सरकार ने 27 और 28 अक्टूबर को 2 दिवसीय सत्र का प्रस्ताव भेजा था। मंगलवार को फाइल लौटाते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार से पूछा है कि अभी 58 दिन पहले ही विधानसभा की बैठक हुई है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई है, सत्र के दौरान क्या क्या काम होंगे। सरकार ने राज्यपाल के सवालों का जवाब देते हुए फाइल फिर से राजभवन भेज दी है। बताया है कि केंद्रीय कानूनों से राज्य के किसानों के हितों की रक्षा और आशंकाओं को दूर करने के लिए ये सत्र जरूरी है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पूर्ण सहमत पूर्ण बहुमत की सरकार को विधानसभा का सत्र बुलाने से राज्यपाल नहीं रोक सकती। जिले में आज पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया है। बता दें कि कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में 21 अक्टूबर को पुलिस समिति स्मृति दिवस मनाया जाता है। इंदौर में भी इस मौके पर 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल महेश गार्ड लाइन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। समूचे भारत की पुलिस हर साल पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। समस्त पुलिस अधिकारियों ने शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक योगेश देशमुख ने कहा है कि आज के दिन उन सभी पुलिस के अधिकारी और जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के आंतरिक रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। देखिए, हर साल पुलिस कमेमोरेशन डे आज ऑर्गेनाइज होता है 21 अक्टूबर को। हमारे समस्त अधिकारी जवान जो अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में जो अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, तो उनके स्मृति में उनको मान सम्मान देने के लिए ऐसे में हमें गर्व है हमारे सभी पुलिस अधिकारियों पे, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हम सबको ये बार बार याद दिलाते हैं कि अपनी राष्ट्र सेवा समाज सेवा सबसे सर्वोपरि है। ऐसे में हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और फिर से कमिटमेंट करते हैं, जहां तक हो सके हम सब अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार पूर्ण सेवा समाज और राष्ट्र। और मध्य प्रदेश के बालाघाट में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में काम करने वाले एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल टाइम कीपर ने अपने घर की साफ सफाई करवाने के लिए विभागीय कर्मचारियों को लगा रखा था। कर्मचारी के घर की सफाई करने के दौरान छत पर रखे सरिया उठाने पर करंट लगा, जिससे कर्मचारी घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है। फिर ये कैसे उसको निकालते पता नहीं उसको कैसे करंट लग, 11 kV का वो है ना। अब ये एक पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी है, फिर ऐसे घर में कैसे काम कर रहा थे? वो निकाल रहा था बस। कोरबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल महाराणा प्रताप नगर में बीते 6 दिनों पहले कुछ पैसों के लेन देन में विधवा महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। दरअसल वृद्ध महिला सुमित्रा बाई अपने घर में अकेले रहती थी। 15 अक्टूबर की रात महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में अज्ञात व्यक्ति पर धारा 302 के तहत मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने मृतका के पड़ोसी शिशुपालन पर शक के आधार पर पूछताछ उनसे की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तरफ से महिला से कुछ रुपए उधार लिए गए थे, जिसको लेकर के दोनों में नोकझोंक भी हुआ करती थी, जिसके बाद आरोपी ने महिला के सिर पर प्रेशर कुकर और रॉड से हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
और अब रुख करते हैं अगली खबर का। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोतबा के युवाओं ने जंगल के रास्ते तस्करी करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 17 मवेशी बरामद किए गए हैं। दरअसल बजरंग दल के युवाओं को लगातार शिकायत मिल रही थी कि जंगलों के रास्ते भारी मात्रा में गौ तस्करी कर बूचड़ खाने ले जाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रख करके बजरंग दल के युवाओं ने ग्राम पंचायत भेलवा के जंगलों के रास्ते से तस्करों को पकड़ा है। वंशों की तस्करी होती है, उसमें पाबंदी लगाना है। और यहाँ हमारे जितने सदस्य हैं वो सभी एक्टिव रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। हमारे सदस्यों द्वारा पता चला कि ये भेलवा के सामने जो जंगल है वहाँ कम से कम 20-30 बैल हैं, उनको ले जाया जा रहा है उड़ीसा बॉर्डर की ओर। तो हमको जैसे ही पता चला हम एक्शन पे आ गए, और वहाँ पहुँचने पर दो लोग 17 या 18 बैल हैं पीछे में, उनको वो खेद रहे थे, बुरी तरह से पीट रहे थे, खून भी निकल चुके हैं पीट में। और छत्तीसगढ़ के मुंगली के ग्राम पंचायत वेचांडी में वृद्ध महिलाओं को सरकार की मूलभूत योजनाओं का लाभ ना मिल सके, इसलिए पूर्व सरपंच ने सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत बता दिया गया। आपको बता दें, महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ से उनको वंचित होने के साथ ही वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के कलेक्टर के पास अपना जिंदा होने का सबूत मांग रहे हैं, जिससे हमें सरकार की योजनाओं का लाभ हमें मिल सके। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि वृद्ध बुजुर्ग महिलाओं का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया जाएगा और जो भी पंचायत प्रतिनिधि दोषी होगा उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आए हैं शहर, हमार पेंशन नहीं मिला, आवास आ रही से तेनो लकाट दी से मृत्यु होके मृत्यु कह दी से, अब हम जिंदा हैं साहब। पंचायत वाले मन कुछ नहीं बताइन, अभी जो नवा पंचायत ल पता हुई से तो पता करीन है। का पता हुई से? मृत्यु हो गई से, कह के नहीं मिला, कुछ नहीं मिले, मर गए कि दिन मर गए कई दिन है। अच्छा, हाँ तो वही समस्या लेके। और यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक लिए, आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एडमिशंस ओपन फॉर डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज,
नियर जय अंबे हॉस्पिटल देवपुरी रायपुर छत्तीसगढ़ 9131489790 7869152255। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना संक्रमण के चलते 6 महीनों से न्यायालय बंद थे, जिसके कारण कई मामलों की सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित सभी जिला न्यायालयों में सुनवाई के लिए आए केसों की संख्या बढ़ गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट सहित सभी जिला न्यायालयों में आवश्यक मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करके प्रकरणों पर फैसला सुनाया गया। कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण के बचाव लेकर के कोर्ट में भी इन सब चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। इन सभी मामलों को लेकर के हमारे संवाददाता आरजू गुप्ता ने हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से चर्चा कर कोर्ट में बढ़ते मामलों को लेकर के राय ली, और अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कोरोना काल की वजह से हाईकोर्ट कई महीनों से बंद पड़े हैं। हाईकोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है। आज हमारे सामने हैं सूर्या कावलकर डांगी जी। मैम नमस्कार, मैं आपकी राय लेने आई हूँ। जिस तरह से न्याय को हाईकोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है और देर से मिला हुआ इंसाफ इंसाफ नहीं कहलाता, इसमें आपकी क्या राय है? पहली बात तो हमें यह जानना होगा कि देर से मिला हुआ इंसाफ इंसाफ नहीं होता, इसमें देरी क्या है? क्या देरी इस कारण से हो रही है कि वो खुद न्याय के लिए लेट आए हैं, या देरी इस कारण से हो रही है कि जजेस उसको टाइम से न्याय नहीं दे पाए हैं? क्योंकि हमें यह समझना होगा कि अभी का जो टाइम है ये बहुत ही अलग टाइप का टाइम है। ये अभी तक की अपने जुडिशरी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोर्ट्स को बंद रखा गया है, पर इस बीच भी हमारे हाई कोर्ट्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अभी चल रहे हैं मामले, पूरे कोरोना काल में मैं ये कहूँ, पूरे लॉकडाउन पीरियड में जो 23 मार्च से शुरू हुआ था अब तक के, पूरे 10,000 केसेस को डिस्पोज ऑफ किया गया है। मैम कोरोना काल में आपकी वकालत पर और आपके क्लाइंट्स पर क्या असर पड़ा? क्लाइंट्स परेशान ज़रूर है, फ़ोन करते हैं कि हमारा केस कब लगेगा हमारा केस, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि टाइम टफ है, कोर्ट भी मिनिमम केसेस ही सुन रही जो वाकई अर्जेंट है। कुछ क्लाइंट्स लोग संयम से है, परेशानी करते हैं, बस फ़ोन करके पूछते हैं कि जल्द से जल्द कराइए। कुछ है जो थोड़े पीछे पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल सब समझ के चल रहे हैं। ऐसे बहुत मैं कहूँगी कि इंसाफ किसी को नहीं मिला ऐसा नहीं है। जो वाकई अर्जेंट केसेस है कोर्ट ने उन्हें सुना है, हमारी मेंशनिंग स्लिप अलाउ करके सुना है और उसमें फैसले दिए हैं। थैंक यू सो मच मैम। अब हमारे सामने हैं श्री मनोज परांजपे जी, जो कि बिलासपुर हाई कोर्ट के बहुत ही जाने माने वकील हैं। सर नमस्कार, मैं आपकी राय जानने आई हूँ कि कोरोना वैश्विक महामारी में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें क्या असर पड़ा है? देखिए ऐसा है, COVID-19 वैश्विक महामारी में इन्फेक्शन को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आज हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक अभिन्न पार्ट है। इंडियन जुडिशरी ने इस COVID-19 महामारी के बीच में फिजिकल फंक्शनिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करने के लिए निर्णय लिया। अप्रैल 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने टेक्नोलॉजी के उपयोग पर जोर दिया। ई फंक्शनिंग के जरिए न्यायालयीन प्रक्रिया को चालू करने का निर्णय लिया गया। 21वीं सदी में इंडियन कोर्ट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायदान प्रदान कर रहे हैं। सर और आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, कब तक हम हाईकोर्ट खुलने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि व्यक्तिगत राय मेरी ये है कि जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, जैसे पेपर में भी पब्लिश हुआ, 17th of November से कोर्ट प्रोसीडिंग रेगुलर बेस पे शुरू होने की संभावना है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एएनबी न्यूज के लिए आरजू गुप्ता। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जिले में एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल मामला गांव अमडीपारा का है, जहां 13 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ 30 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया और घटना को अंजाम देकर के आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जिले भर में 1 महीने के अंदर ये दुष्कर्म का नवा मामला है।
और वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कोटा में भव्य स्वागत किया गया। उपचुनाव मरवाही के लिए मंत्री का काफिला नजर आया। बता दें कि कोटा के संतोष गुप्ता के निवास में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, आपको बता दें युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदिल खान ने ऐतिहासिक रैली निकालकर मोहम्मद अकबर का स्वागत उन्होंने किया। युवा कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा रखा है। बता दें कि सभी ने मंत्री का भव्य स्वागत फूलमाला और गुलदस्ता भेंट करके उनको सम्मान दिया और उनका स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें कि कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता थे उन्होंने भव्य स्वागत किया, वन मंत्री मोहम्मद अकबर का स्वागत हुआ। लेकिन आप वहीं देखिए कि जो तमाम भीड़ वहां पे मौजूद है, कोरोना काल के टाइम पे जितने भी प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए वो यहाँ पे दिख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए तो वहां पे पहुंचे लेकिन इस चीज का वो उन्होंने ध्यान नहीं रखा। ये भीड़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। चुनावी मरवाही के लिए यहाँ पर मंत्री का काफिला आया था। और वही मध्य प्रदेश के भोपाल में उपचुनाव के पहले निर्दलीय विधायक का बीजेपी को समर्थन मिला है। आदिवासी नेता और निर्दलीय विधायक केदार डाबर ने बीजेपी को समर्थन दिया। दरअसल कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। प्रेस वार्ता में केदार डाबर भी मौजूद रहे और क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के समर्थन का उन्होंने हवाला दिया है। मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान सामने आया है। वहीं उपचुनाव में एक बार फिर मंत्रियों के बोल बिगड़े हुए हैं। आपको बता दें दरअसल अरविंद भदौरिया ने सज्जन सिंह वर्मा के लिए बोला है कि वो अपनी उम्र के साथ सठिया गए हैं। और मध्य प्रदेश के इंदौर में बेटमा में अति प्राचीन मां अमन चमन की टेकरी पर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दशहरा भी मनाया जाता है, जिसमें बंदूक से निशानेबाज पहाड़ी से निशाना लगा करके छोटी मटकी को फोड़ते हैं और घुड़दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन इस बार पिछले चार दिनों से उनकी टीम ने परिसर में लाइट और पानी तक की व्यवस्था नहीं करवाई है। नगर और आसपास के श्रद्धालु प्यास और अंधेरे से परेशान होते हुए माता जी के मंदिर पहुंच रहे थे। इन समस्याओं के बारे में नगर परिषद अध्यक्ष को अवगत कराया गया तो उन्होंने जनता की परेशानी को दूर करने के लिए उनकी समस्याओं का समाधान किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। आपको बता दें पुणे में मेफेड्रोन दवा और 20 करोड़ का कैश जब्त किया गया। नाइजीरियाई नागरिक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। मेफेड्रोन ड्रग बनाने और बेचने के आरोप में बायोटेक कंपनी को भी सील कर दिया गया है। तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और वहीं 20 करोड़ रुपए इन लोगों के पास से जब्त किए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 12 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मेफेड्रोन दवा और 20 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं नाइजीरियन व्यक्ति के पास से। साथ ही में तीन लोगों को और गिरफ्तार किया गया। अब तक पुलिस 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है ड्रग बनाने के आरोप में और बेचने के आरोप में। कंपनी को भी बता दें कि सील किया गया है। 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में। अभी तक कुल 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मेफेड्रोन दवा और 20 करोड़ का कैश जब्त किया है। ये पुणे में ये पूरी घटना है घटी है। और अपने नाइजीरियाई नागरिक सहित तीन गिरफ्तार किए गए। तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेफेड्रोन ड्रग बनाने और बेचने के आरोप में बायोटेक कंपनी को भी सील कर दिया है। तीन लोगों को पुलिस ने हाल फिलहाल अभी तक गिरफ्तार अभी किया है और कुल अगर देखें तो 12 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तस्वीरों तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सत्य प्रकाश, क्या ताजा अपडेट इस मुद्दे पर आपके पास? तो सत्य प्रकाश सोनी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब तक कुल 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर